अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो। डियर व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे पेरेंजाइटिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पेरेंजाइटिस? पेरेंजाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रॉट, आल्सो नाउन एज द पेरिंग्स, ऑफन कास्ट बाय ए बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। पेरेंजाइटिस हम किस चीज़ को कहते हैं? ये हम थ्रॉट इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? पेरेंजाइटिस कहते हैं, या पेरिंग्स इन्फ्लेमेशन को हम पेरेंजाइटिस कहते हैं। ये किस वजह से होती है? बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। द मेन सिम्टम्स इज ए सोर थ्रॉट। इसमें क्या होता है? थ्रॉट ख़राब होती है, थ्रॉट में जख्म पैदा होती है। अदर सिम्टम्स में इंक्लूड फीवर, कफ, कंजेशन, बॉडी एचेस एंड स्वॉलन लिम्फ नोड्स इन द नेक। दूसरे अलामत क्या होते हैं? इसमें फीवर होती है यानी टेम्परेचर होता है, कफ होता है यानी खांसी, कंजेशंस, बॉडी एचेस एंड स्वॉलन लिम्फ नोड्स इन द नेक, यानी नेक में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। साथ में बॉडी एक होती है यानी बॉडी में पेन होती है। दीज सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर। ये सिम्टम्स जो है ये मुख्तलिफ रेंज में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी माइल्ड होती है, कभी सिवियर होती है, यानी माइल्ड हम कम को कहते हैं और सिवियर ज़्यादा को कहते हैं। वाइल मैनी जर्म्स कैन काज पेरेंजाइटिस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड मैनी टाइप्स ऑफ वायरसेस। चूँकि पेरेंजाइटिस जो है ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स काज करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी है और बहुत सारे बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ वायरसेस भी हैं जो क्या करते हैं, पेरेंजाइटिस काज करते हैं। आल्सो पेरेंजाइटिस कैन आल्सो रिजल्ट फ्राम एलर्जीज़। और इसी तरह पेरेंजाइटिस जो है ये एलर्जीज़ की वजह से भी काज होती है। एंड गैस्ट्रिक रिफ्लैक्स, और इसी तरह गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से भी काज होती है। ए कंडीशन इन विच स्टॉमिक एसिड फ्लो अप इन टू द थ्रॉट, यानी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हम किस चीज़ को कहते हैं? ये वो कंडीशन होती है जिसमें स्टॉमिक एसिड जो है वो थ्रॉट तक क्या हो जाती है? वापस आ जाती है स्टॉमिक से। तो उस स्टॉमिक एसिड फ्लो की वजह से थ्रॉट जो है वो ख़राब हो जाती है और पेरेंजाइटिस हो जाती है। Most episodes of pharyngitis resolve with treatment and some minor inflammations even go away on their own. बहुत सारे pharyngitis जो होती है वो treatment से recover हो जाती है और कुछ minor inflammation जो है वो खुद बहुत ठीक हो जाती है। However, left untreated the infection can enter the bloodstream and cause sepsis. लेकिन बास टाइम जब इस इन्फेक्शन को ट्रीट ना किया जाए तो ये ब्लड में एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से सेप्सिस काज हो जाती है, विच इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और ये क्या होती है? ये फिर लाइफ के लिए ख़तरनाक होती है, ठीक है, यानी ये पैटल होती है। टाइप्स ऑफ पेरेंजाइटिस किस चीज़ को हम कहते हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पेरेंजाइटिस, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। पेरेंजाइटिस के दो मेन टाइप्स हैं, एक को हम इन्फेक्शियस पेरेंजाइटिस कहते हैं और दूसरे को नॉन इन्फेक्शियस पेरेंजाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शियस पेरेंजाइटिस इज थ्रॉट इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय समथिंग दैट्स कंटेजियस सच एज ए वेरियस वायरस आर बैक्टीरिया जर्म्स। इन्फेक्शियस पेरेंजाइटिस वो इन्फ्लेमेशन होती है थ्रॉट की, जो किस चीज़ की वजह से होती है? वायरस की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से होती है। यानी वो इन्फेक्शन, वो पेरेंजाइटिस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्फेक्शंस की वजह से होती है, तो उसको हम इन्फेक्शियस पेरेंजाइटिस कहते हैं। नॉन इन्फेक्शियस पेरेंजाइटिस क्या होती है? इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस लाइक सिगरेट स्मोक और ए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट एलोज इरिटेटिंग स्टॉमिक एसिड टू फ्लो बैक अप इनटू द थ्रॉट। यानी नॉन इन्फेक्शियस पेरेंजाइटिस में क्या है? एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होती है यानी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होती है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में डिजीज होती है, जिसमें क्या होती है? स्टॉमिक एसिड जो है वो थ्रॉट तक आ जाती है, जिसकी वजह से थ्रॉट में क्या हो जाती है? पेरेंजाइटिस काज होती है। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्शियस पेरेंजाइटिस कहते हैं। पेरेंजाइटिस रिस्क फैक्टर्स अभी कौन कौन से हैं? रिस्क फैक्टर्स फॉर पेरेंजाइटिस इंक्लूड कोल्ड एंड फ्लू सीजन, यानी कोल्ड ठंडा सर्दी वाला मौसम, और साथ में जुकाम वगैरह हो तो उसकी वजह से फिर क्या होती है? पेरेंजाइटिस काज होती है। हैविंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैज़ ए सोर थ्रॉट और कोल्ड, अगर किसी को पहले से कोल्ड है या फ्लू है या पेरेंजाइटिस है और उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट हो तब भी ये हो सकता है। स्मोकिंग और एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक, इसी तरह अगर कोई खुद स्मोकिंग कर रहा है या उसके करीब कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फ्रिक्वेंट साइनस इन्फेक्शंस, और अगर बार बार साइनस इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से भी पेरेंजाइटिस हो सकता है। एलर्जीज की वजह से होती है। अटेंडिंग क्राउडेड स्कूल, अगर कोई बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्कूल अटेंड करता है उसमें भी हो सकता है। काजेज ऑफ पेरेंजाइटिस, अब क्या है? पेरेंजाइटिस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली कॉज बाय द कॉमन कोल्ड और फ्लू। पेरेंजाइटिस की मोस्ट फ्रिक्वेंटली कॉज क्या है? कोल्ड और फ्लू यानी जुकाम, इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन और फ्रिक्वेंटली कॉज है। इट ऑफन ऑकर्स सीजनली ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स एंड फ्रिक्वेंटली स्प्रेड्स अमंग फैमिली मेंबर्स। ये ज़्यादातर मौसम सर्मा में होती है और ये अक्सर तमाम फैमिली मेंबर्स में स्प्रेड होती है बहुत जल्दी। पेरेंजाइटिस में आल्सो बिकॉज बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन,
नीचे जो कंडीशन दी गई है पेरेंजाइटिस, इसकी वजह से विकास होती है। स्ट्रेप थ्रॉट यानी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से जब थ्रॉट इन्फेक्शन होती है। ओरल कैंडिडाइटिस एंटीफंगल की वजह से जब ओरल में इन्फेक्शन होती है, जिसको हम ओरल थ्रश कहते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस ये इस वायरस की वजह से भी हो सकता है। टॉन्सिलर एब्सिस, टॉन्सिल्स पे जब एब्सिस बन जाती है। एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होती है, इंसेक्ट बाइट की वजह से भी हो सकती है। रेयरली पेरेंजाइटिस में भी कॉज बाय अदर बैक्टीरिया, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया भी पेरेंजाइटिस कास करते हैं, लेकिन ये रेयरली होती है। सच एज दोज डेट कास गोनोरिया एंड क्लेमेडिया, फॉर एग्जांपल वो कौन सी बैक्टीरिया है जो रेयरली पेरेंजाइटिस कास करती है, तो वो गोनोरिया और क्लेमेडिया बैक्टीरिया भी है जो पेरेंजाइटिस कास कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होती है। इन दिस इन द केस ऑफ द लेटर द बैक्टीरिया कॉजिंग द सोर थ्रॉट इज नॉट नेसेसरी बीइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। अगर ये बैक्टीरिया पेरेंजाइटिस कास करती हैं तो इसकी मतलब ये नहीं है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो गई है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी नहीं है, ये वैसे भी एंटर हो सकता है थ्रॉट में या ब्लड में। सिम्टम्स में भी क्या है, सिम्टम्स ऑफ पेरेंजाइटिस और सोर थ्रॉट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द काज, साइन एंड सिम्टम्स माइट इंक्लूड। सिम्टम्स जो है ये पेरेंजाइटिस या सोर थ्रॉट पर डिपेंड करता है। साइन एंड सिम्टम्स, हाँ अब उसके साइन सिम्टम्स क्या है, यानी अगर पेरेंजाइटिस जितना सीवियर होती है या सोर थ्रॉट जितनी सीवियर होती है या उसकी जो काज होती है तो उसी पे इनके सिम्टम्स डिपेंड करती है। पेन सेंसेशन इन द थ्रॉट, थ्रॉट में क्या होती है, पेन फील होता है, पेन दैट वर्सन विद सॉल्विंग और टॉकिंग, या जब कोई बंदा कुछ खाता है या बात करता है तब थ्रॉट में क्या होती है, पेन होती है। डिफिकल्टी सॉल्विंग, कुछ खाने में मुश्किल होती है। सोर स्वॉलन ग्लैंड्स इन योर नेक और जॉ, और इसी तरह थ्रॉट में या नेक में या जॉ में क्या हो जाता है, स्वॉलन ग्लैंड्स हो जाती है, यानी ग्लैंड स्वेल हो जाती है। स्वॉलन रेड टॉन्सिल, और इसी तरह टॉन्सिल जो है वो भी स्वेल हो जाती है और रेड हो जाती है। वाइट पैचेस आर पस ऑन यूर टॉन्सिल्स, और इसी तरह टॉन्सिल पे वाइट कोट जो है वो बन जाती है या उसमें पस हो जाती है। हॉर्स वॉइस और इसके साथ जो आवाज़ है वो ख़राब हो जाती है। इन्फेक्शंस causing a sore throat might result in other signs and symptoms include, ये इन्फेक्शन या sore throat जो है और भी साइन सिम्टम्स जो है वो कास करते हैं। फॉर एग्जांपल फीवर, टेम्परेचर होती है, कफ कांसी होती है, रनी नोज, नोज बहता है, स्नीजिंग, छींकें आती हैं, बॉडी एक एचेस और बॉडी पेन करता है, हेडेक होता है, उसमें सर में दर्द होता है, नॉज या वोमिटिंग, दिल खराब होता है या उल्टी करता है। कॉम्प्लिकेशंस, अब क्या है इसमें कॉम्प्लिकेशंस में कहते हैं नॉन सपोरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, एक्यूट रूमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्कारलेट फीवर, फोस स्ट्रेप्टोकोकल अर्थराइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, सपोरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, मेस्टाइडाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरेमिया, मेनिनजाइटिस, प्रोग्नोसिस एंड टेस्ट। अच्छा, यहाँ तक जितने भी ये डिजीज़ हमने पढ़ा है तो ये डिजीज़ इसकी वजह से भी हो सकते हैं, और इन डिजीज़ को हम मज़ीद इंशाल्लाह वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरह अभी हम ये डिजीज़ पढ़ रहे हैं पेरेंजाइटिस, तो इन सब डिजीज़ को इसी तरह हम एक्सप्लेन करेंगे नंबर वन वन। और यहाँ तक जो है ये आज के लेक्चर में ये काफ़ी है, इंशाल्लाह इसकी जो बाकी पार्ट है इसको हम पार्ट टू में कल दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट व्यूवर्स को कहीं पे मुश्किल हो तो बिल्कुल हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हमें उसको दोबारा आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो मेहरबानी करें हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो सब्सक्राइब करें, और साथ में घंटी के निशान क्लिक करें ताकि हमारे हर नए वीडियो लेक्चर आपको टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।